Hello students, in last two videos we have studied about the basics of vector which is required for EMFT. Okay, now in this video we will start with the basic concept of EMFT. Okay, that is basics of electric field, magnetic field. Okay, jo hum log study karenge is EMFT ke syllabus mein. Okay, so hume kya karna hai is video mein, basic terms se familiar hona hai. Okay, तो सबसे पहले हम लोग फैमिलियर होंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड मींस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक तरह की फॉर्मेट ऑफ एनर्जी है. ओके, फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, व्हिच इज ऑल अराउंड अ चार्ज. ओके, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ऑल अराउंड द चार्ज. ओके, नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, सेम थिंग, फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल अराउंड द मूविंग चार्ज. ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो ऑल अराउंड द स्टेशनरी चार्ज है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑल अराउंड द मूविंग चार्ज है. दोनों ही आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ओके, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम टर्म से फैमिलियर हो रहे हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल डेफिनेशन अगर दें इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो ऑल अराउंड द स्टेशनरी चार्ज है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी ऑल अराउंड द मूविंग चार्ज है. ओके, नाउ यहां पर बेसिकली हमारे सिलेबस में तीन तरह की फील्ड हमें स्टडी करनी है. ओके, फर्स्ट हमें जो स्टडी करनी है वो करनी है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो स्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी वो क्या होती है, या उसके जो कॉज हैं वो क्या हैं. ठीक है, तो चार्ज अगर आपका, जो चार्ज है वो अगर आपका स्टेशनरी है. ओके, चार्ज इज स्टेशनरी. ओके, देन इट इज अ कॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी. क्लियर है पॉइंट. नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या है, एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो चार्ज जब स्टेशनरी होगा तो आपकी जो फील्ड जनरेट होगी वो क्या होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ सेकेंड जो हमें स्टडी करनी है सिलेबस में, वो स्टडी करनी है आपको स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहां पर जो आपका चार्ज है वो मूव करेगा. ओके, चार्ज इज मूविंग. ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपके लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज स्टेशनरी था और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज इज मूविंग, बट विथाउट एक्सेलरेशन, और यू कैन से लीनियरली वेरी विथ टाइम. ओके, मींस चार्ज आपका मूव करता है विथाउट एक्सेलरेशन, मूव करता है वो. ओके, और आप ये भी कह सकते हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है. ओके, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो लीनियरली वेरी करता है टाइम के साथ. ओके, क्लियर है पॉइंट. तो जो चार्ज क्यू है आपका वो क्या हो जाएगा, के टी. अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दूं यहां पर, तो जो आपका डी क्यू बाई डी टी होगा, डी क्यू बाई डी टी अगर मैं कैलकुलेट करूं, हमें पता है वो करंट होता है, तो आंसर क्या आएगा, के. ठीक है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. तो डी क्यू बाई डी टी आपका क्या आ गया, के आ गया, और वो आपका करंट है. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका के है वो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है. इसका मतलब यहां पर जो करंट कैलकुलेट हुआ है वो कॉन्स्टेंट है, I इक्वल टू के, दैट इज दिस इज डीसी करंट. ओके, तो ये जो करंट है आपका वो डीसी करंट है. क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर आपको समझना होगा कि जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉस है वो आपका स्टेशनरी चार्ज है, उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉस है वो डीसी करंट है. ओके, तो यहां पर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कब जनरेट होगी, जब चार्ज क्या होगा, मूविंग होगा विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और यू कैन सिंपली से कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ओके, तो क्यू इज इक्वल टू के टी. ओके, क्लियर है अच्छे से. नाउ जो हमें थर्ड फील्ड यहां पर स्टडी करनी है हमारे सिलेबस में, वो करनी है व्हेन चार्ज इज मूविंग. चार्ज अगेन आपका मूव करेगा,
बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा आपका, आप समझिएगा, विथ एक्सेलरेशन, ओके, यहां पर एक्सेलरेशन के साथ आपका चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। इससे आपका क्या होता है, इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ईटी, जो कि क्रिएट कर देगी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जिसको हम एचटी से डिफाइन करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ईटी क्रिएट होगी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगी आपकी, या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी। तो यही कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही फील्ड आपकी जनरेट होंगी, ओके। जैसे लास्ट केस में क्या था, या तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी या तो आपकी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होगी और दोनों आपकी टाइम पर डिपेंड करेंगी। आप देख सकते हैं ईटी एंड एचटी, क्लियर है पॉइंट अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर हमारे सिलेबस में जो हमें फील्ड्स पढ़नी है, वो पहली पढ़नी है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड पढ़नी है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड थर्ड पढ़नी है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये हमारे सिलेबस में हमें तीन तरह के फील्ड्स को स्टडी कर लेना है, ओके। तो ये मैं अभी आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं आज की, वो बिल्कुल बेसिक्स है, वो आपको ये बता रही है कि हमें क्या क्या स्टडी करनी है, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं बेसिकली, ठीक है ना। हम उन टर्म्स से फैमिलियर हो रहे हैं, क्योंकि जो ईएमएफटी के जो टर्म्स हैं वो हम किसी और सब्जेक्ट में बहुत ही कम पढ़ते हैं, तो हम उन टर्म्स से पहले फैमिलियर हो जा रहे हैं, ओके। उसके बाद हम अपना मेन सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, ओके। नाउ यहां पर कुछ टर्म्स या कुछ जो सिंबल हैं उनसे भी आपको फैमिलियर होना जरूरी है, ओके। तो यहां पर जो बेसिक सिंबल्स हैं उनको मैं लेते जा रहा हूं और उनको क्या क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो यहां पर जो ई होता है, ई शो करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप बोल सकते हैं, या आप नॉर्मली अगर कंप्लीट बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं ई को, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। नाउ इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, ओके। और एक और यूनिट भी आप दे सकते हैं चाहे तो, वो हो जाती है आपकी न्यूटन पर कूलाम, ओके। ये हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में कैसे ये यूनिट आ रही है आपकी, ठीक है। नाउ जो आपका एक और टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो होता है आपका डी, डी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेंसिटी को शो करता है डी आपका, ओके। इसकी जो यूनिट होती है आप, वो होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ओके। एक और टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो आपको आना चाहिए, एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ओके, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्लियर है पॉइंट। इसकी जो यूनिट होती है आपकी, वो होती है आपकी फैरेड पर मीटर, ओके, फैरेड पर मीटर, क्लियर है अच्छे से। तो ये होता है आपका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्लियर। सो ये तीन टर्म्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड से जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो होता है एच, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसी तरीके से एच शो करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, ये शो करता है आपका एच, ओके। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर पर मीटर, ओके। नाउ जो नेक्स्ट टर्म है वो होता है बी, बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेबर किसकी यूनिट होती है आपकी, फ्लक्स की, ओके। और एक और यूनिट इसकी दी जाती है, वो होती है टेस्ला, कैपिटल टी, ओके। नाउ एक और टर्म से आपको फैमिलियर होना चाहिए जो कहलाता है आपका परमीबिलिटी, ओके, ऑफ द मीडियम। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, म्यू, जैसे यहां पर एप्सिलॉन था ना, वैसी आपका म्यू है। तो इन बेसिक टर्म से आपको फैमिलियर होना है, इनके सिंबल से फैमिलियर होना है, ये सारे आपके स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, ये आपके एज इट इज यूज होंगे, क्लियर है पॉइंट। और जो आपकी परमिबिलिटी की यूनिट होती है वो होती है आपकी हेनरी पर मीटर, ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से यहां तक। तो इन बेसिक टर्म्स को पढ़ लेने के बाद अब हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक से यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है,
जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हमने ली थी कि तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको स्टडी करने हैं। एक आपको करना है रेक्टेंगुलर, जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, इसे हम कार्टेशियन भी बोलते हैं। एक आपको करना है स्फेरिकल और एक आपको करना है सिलेंड्रिकल। ओके, बट सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, यूज क्या है उसका, ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इट इज अ वे ऑफ एड्रेसिंग और लोकेटिंग पॉइंट्स इन द 3D स्पेस। ओके, ये एक तरीका है, ठीक है ना, वे ऑफ एड्रेसिंग पॉइंट्स इन 3D स्पेस। ओके, तो आप पॉइंट्स को 3D स्पेस में लोकेट कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से, विथ अ नोन रेफरेंस, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहां पर हमें जो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने हैं, अगर मैं आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दूं यहां पर, उसके बाद हम लोग वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। तो यहां पर जो आपके तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, मैं उसको यहां पर लिख देता हूं। पहला है आपका कार्टेशियन, ओके, सेकंड है आपका सिलेंड्रिकल, ओके, एंड थर्ड जो है आपका वो है आपका स्फेरिकल। ओके, तो ये जो तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं आपके, इसको अगर हम लोग स्टडी करें यहां पर, बेसिक्स देखें कि क्या क्या स्टडी करनी है एक्चुअल में, तो हम कुछ पॉइंट्स यहां लिख सकते हैं जिनके बेस पे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्टडी करेंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका रेफरेंस। ओके, क्या रेफरेंस लेने वाले हैं आप तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो कार्टेशियन होता है आपका, उसमें आप रेफरेंस लेते हैं 3 इन्फिनाइट ऑर्थोगोलन प्लेन, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर 3 इन्फिनाइट ऑर्थोगोनल प्लेन। ओके, तो यहां पर ये जो होता है वो रेफरेंस होता है इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, और सिलेंड्रिकल में जो आपका रेफरेंस होता है वो होता है वन सिंपल लाइन। ओके, वन लाइन, इसको हम लोग जेड एक्सिस की तरह लेते हैं, जेड एक्सिस को हम लोग रेफरेंस लेते हैं यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम लोग स्टडी करेंगे इसको, डिटेल में स्टडी करेंगे, तब आप समझ जाएंगे। जो स्फेरिकल होता है उसमें आपका जो रेफरेंस होता है वो वन पॉइंट होता है। स्फीयर आप समझ सकते हैं, जो सेंटर पॉइंट होगा वही आपका क्या होता है, रेफरेंस होता है, ठीक है। सिलेंडर में भी आप सोचिए, जो आपकी सेंटर लाइन होगी, जिसके अराउंड सिलेंडर आपका होगा, वही क्या होगा, आपका रेफरेंस होगा। ओके, जो नेक्स्ट है आपका रेफरेंस के अलावा, वो होता है आपका सिमिट्री। तो कौन सी सिमिट्री आप फॉलो करते हैं, तो जो आपका कार्टेशियन होता है उसमें आप फॉलो करते हैं प्लेनर सिमिट्री, ठीक है ना, प्लेन, प्लेन होते हैं यहां पर प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो प्लेनर सिमिट्री होती है आपकी किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल में जो होती है आपकी एक्सियल, मींस एक एक्सिस को आप लेते हैं, जेड एक्सिस को लेते हैं, ठीक है ना, रेफरेंस, इसलिए कहलाती है एक्सियल सिमिट्री। स्फेरिकल में पॉइंट सिमिट्री ही कहलाती है वो, ठीक है, जो रेफरेंस है वही आपकी सिमिट्री है, पॉइंट सिमिट्री। ओके, नाउ यहां पर जो रेफरेंस आपने लिया है, अगर मैं उसके नाम लिख दूं, तो आप नाम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। ओके, यहां पर जो आप एक्सिस लेते हैं उसका नाम लिख दूं, तो वो होता है जेड एक्सिस, और यहां पर जो आप स्फेरिकल में जो लेते हैं रेफरेंस, वो होता है आपका ओरिजिन। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। ओके, नाउ अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि आप कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं इन केस ऑफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तो पैरामीटर्स जो आप यूज करते हैं इन केस ऑफ कार्टेशियन, वो होता है आपका एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इन केस ऑफ जो आपका सिलेंडर होता है वो होता है रो फाई एंड जेड, और इन केस ऑफ स्फेरिकल होता है आर थीटा एंड फाई। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। यहां पर एक और पॉइंट क्लियर रखिएगा कि ये जो जेड है कार्टेशियन में, वो सिलेंडर के जेड के बिल्कुल सेम है। जब हम रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तब आप देखेंगे जेड इक्वल टू जेड ही आएगा। सिमिलरली ये जो फाई है सिलेंडर में, वो स्फेरिकल के फाई के बिल्कुल सेम है। ओके, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है पॉइंट, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आने वाली है। नाउ जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जो हमें पता होना चाहिए बेसिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम के, वो है यूनिट वेक्टर्स, कि तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन से यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो आपका जो कार्टेशियन है या रेक्टेंगुलर है, उसमें होगा ए एक्स ए वाई कॉमा ए जेड, यहां पर हो जाएगा ए रो
ए फाई कॉमा ए जेड, और जो आपका स्फेरिकल है उसमें हो जाएगा आपका ए आर, ए थीटा और ए फाई, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को शो करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो ये अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम की कंप्लीट स्टडी नहीं की है, मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स बताया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअल में हमें स्टडी करना क्या है। क्लियर है अच्छे से? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको रो फाई या आर थीटा फाई ये सब तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। जिस तरह से कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर में आप आज तक पढ़ते आए हो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो कार्टेशियन के पैरामीटर्स होते हैं, वैसे ही आपके सिलेंडर के पैरामीटर क्या होते हैं, रो फाई जेड, और स्फेरिकल के क्या होते हैं, आर थीटा फाई। जैसे कि आप लोग कार्टेशियन में पढ़ते आए हो, जैसे हमने लास्ट टू वीडियो में भी पढ़ा है, यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन शो करते थे ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड, सेम आपके सिलेंडरिकल और स्फेरिकल में भी होते हैं यूनिट वेक्टर्स। ओके, नाउ इन बेसिक्स के बाद एक और बेसिक मैं ऐड कर देता हूं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के टॉपिक पे, वो ये है कि ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर यूनिट ऑर्थोगोनल। फर्स्ट है यूनिट ऑर्थोगोनल, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो से यूनिट ऑर्थो नॉर्मल, ओके। तो ये जो आपके तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो आपके यूनिट ऑर्थोगोनल होते हैं एज वेल एज यूनिट ऑर्थो नॉर्मल होते हैं, ओके। तो यहां पर यूनिट ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? तो ऑर्थोगोनल का जो मतलब होता है यहां पर वो होता है आपका कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं एनी टू यूनिट वेक्टर्स का, ठीक है, इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो ऑलवेज आपका जीरो होता है। मतलब जैसे सपोज करिए ए एक्स डॉट आपने किया ए वाई, तो क्या होगा, जीरो। ए वाई डॉट ए जेड भी जीरो होता है और ए जेड डॉट ए एक्स भी जीरो होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सपोज करिए कि आप करते हैं ए रो डॉट ए फाई, तो वो भी क्या होगा, जीरो। तो जो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है वो ये होता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं आपके, ओके, वो ऑलवेज क्या होते हैं आपके, जीरो होते हैं इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल। क्लियर है अच्छे से? समझ में आ गया है पॉइंट? और कब जीरो होंगे, जब दोनों यूनिट वेक्टर आपके डिफरेंट होंगे। क्लियर है पॉइंट? अगर आपके दोनों यूनिट वेक्टर सेम हैं, ठीक है, ए एक्स डॉट ए एक्स, तो वो क्या होगा, वन होगा। ए रो डॉट ए रो, ये भी क्या होगा, वन होगा। सेम आप स्फेरिकल का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल में क्या है, डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट यूनिट वेक्टर का जीरो होता है, ये हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, और जो डॉट प्रोडक्ट जो सेम यूनिट वेक्टर्स है उनका क्या होता है, वन होता है। ऑलरेडी ये टॉपिक हम लोग कार्टेशियन के लिए पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है ना, लेकिन ये सेम टॉपिक आपका हर एक जगह वैलिड होगा किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओके। सेम उसी तरीके से आपके जो होते हैं वो ऑर्थो नॉर्मल भी होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो ऑर्थो नॉर्मल मींस क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थो नॉर्मल हो जाएगा कि अगर आप किसी भी दो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक्चुअली यहां मल्टीप्लीकेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है थर्ड वाला, मींस ए जेड। क्लियर है ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में, ए एक्स डॉट सॉरी ए एक्स क्रॉस ए वाई इक्वल टू ए जेड। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? उसी तरीके से अगर आप ए रो क्रॉस ए फाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए जेड। उसी तरीके से अगर आप स्फेरिकल में एग्जाम्पल लें, ए आर क्रॉस ए थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए फाई, ओके। तो ये हर तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो या कार्टेशियन हो। हम कार्टेशियन में तो जानते हैं ये सब चीजें, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ये आपका सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में भी वैलिड होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये मीनिंग होता है आपका ऑर्थोगोनल का और ऑर्थो नॉर्मल का, ओके। नाउ यहां पर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से, विच इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे हम यहां पर अपना स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम का टॉपिक, ओके। तो यहां पर जो कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑलरेडी हम पढ़ते आए हैं, एक्चुअली बोल सकते हैं हम लोग जब से हमने एक्सिस वाली स्टडी शुरू की है, आई थिंक सेवंथ या एट्थ क्लास से जब हमने पढ़ा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तब से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते आए हैं, ठीक है ना।
यहां पर बेसिकली हम लोग 3D स्पेस में स्टडी करेंगे, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑल. ओके, तो यहां पर 3D स्पेस में ना इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा है कि EMFT में इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ठीक है. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए आप जहां पर भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सपोज करिए एक रूम में है, ठीक है. तो आप रूम में देखिए, आप दीवार देखिए, रूम में आपको दीवार दिखेंगी, ठीक है ना, वॉल्स दिखेंगी आपको. हर एक जो वॉल्स है आपकी, टोटल आपकी 6 वॉल होती है, पता है ना आपको. देखिए आप जैसे बैठे होंगे, आपके सामने एक फ्रंट में, एक बैक में होगी, ठीक है, एक आपके राइट में होगी, एक आपके लेफ्ट में होगी, एक आपके ऊपर होगी और एक आपके नीचे होगी, ठीक है ना. तो टोटल आपकी 6 सर्फेसेस या 6 वॉल्स, ठीक है, होती है आपकी. तो एक्चुअल में ये वॉल्स है क्या, एक्चुअल में ये सरफेस है आपकी, ठीक है ना. तो ये जनरली हम लोग जो अप एंड डाउन होता है उसको वॉल बोलते भी नहीं है, उसको हम नॉर्मली सरफेस ही बोलते हैं, ठीक है ना, अपर सरफेस, लोअर सरफेस. तो ये ऑल 6 क्या है आपकी, सरफेसेस है, ठीक है ना. तो ये ऑल 6 क्या है आपके, प्लेन्स है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन. ओके, तो आप एक काम करिए, आप किसी भी वॉल के एक कोने पर चले जाइए. कोना मतलब क्या होगा, जहां पर आपके दोनों वॉल्स मिल रहे हो, ठीक है ना, जहां जिस लाइन पे दोनों वॉल आपके मिल रहे होंगे उस लाइन पे आप चले जाइए, ठीक है. उस लाइन पे देखिए, वो लाइन आपकी कुछ इस तरीके से होगी. ओके, वो आपका एक एक्सिस शो कर रहा है, ठीक है, उसको आप वाई एक्सिस नाम दे दीजिए, ठीक है. उस लाइन के नीचे देखिए, आप सबसे नीचे में दो लाइंस जुड़ी होंगी, एक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होंगी, ठीक है. एक काम करिए, आप अपने सबसे फ्रंट वाली वॉल पे ही देखिए, जहां पर आप बैठे हो उसके फ्रंट वाली वॉल पे देखिए, जो आपके जो लेफ्ट में जो कोना होगा, ठीक है, उसको देखिए. उसमें से एक आपकी अपर की तरफ लाइन गई है, ठीक है, ऊपर की तरफ लाइन गई है, जिसे आप क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस. एक आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल राइट हैंड की साइड जा रही होगी आपकी, ठीक है, उसको आप क्या बोल देंगे, एक्स एक्सिस. और एक और लाइन जा रही होगी उस कोने से, आप नीचे साइड देखिए उस कोने को, एक और लाइन जा रही होगी, ठीक है. यहां पर तो 3D रिप्रेजेंट करना इंपॉसिबल है, इसलिए उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जेड एक्सिस. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. क्लियर है. नाउ अब आप एक काम करिए कि जो आपने एक्स एक्सिस लिया है और जो वाई एक्सिस लिया है, उस वॉल को आप देखिए, वो वॉल क्या होगी आपकी, एक्स वाई होगा, एक्स वाई सरफेस, एक्स वाई प्लेन, ठीक है. तो उस वॉल पे आप थोड़ी डिस्टेंस पर, जहां पर आपकी ये लाइन गई है ना वाई वाली, ठीक है ना, जहां से मतलब आपने कोना देखा है, ये जो पॉइंट है, जो नीचे में, सबसे नीचे में जो पॉइंट है आपका, जहां से आपने तीनों एक्सिस आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है. तो देखिए आप, ये आप यहां पर आप एक पॉइंट ले रहे हैं एक्स वाई में, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, अगर आप ध्यान से वॉल को देखेंगे, तो इस डिस्टेंस को, इस पॉइंट से जब आप इस डिस्टेंस को क्रॉस कर लेंगे, तो एक्चुअल में आप वाई जेड प्लेन की तरफ मूव कर जाएंगे. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर की तरफ लाइन है वो वाई है, और इसी लाइन से ऐसे साइड में आपका एक लाइन गई हुई है जो कि आपकी जेड है, ठीक है ना. तो ये जो डिस्टेंस है, इसे अगर मैं यहां पर स्मॉल एक्स से शो करूं, तो स्मॉल एक्स क्या डिस्टेंस है आपकी, मिनिमम डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, टू वाई जेड प्लेन. वाई जेड प्लेन पहुंचने के लिए मिनिमम डिस्टेंस है आपकी, ठीक है. नाउ इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद आपको यह भी समझना जरूरी है कि इस एक्स पैरामीटर की रेंज क्या हो सकती है इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. आप जानते हैं कि आप प्लस एक्स एक्सिस पे भी जा सकते हैं, और अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस पे भी चले जाएंगे. ओके, तो आप प्लस एक्स पे भी अप टू इन्फिनिटी जा सकते हैं, और माइनस एक्स पे भी अप टू कहां जा सकते हैं आप लोग, अप टू इन्फिनिटी जा सकते हैं. तो एक्स की रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. जिस तरह से आपने एक्स को देखा है, सेम आपकी रेंज होगी वाई की, और सेम रेंज हो जाएगी आपकी जेड की. ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से. जिस तरह से आपने यहां पर शो किया कि स्मॉल एक्स जो है वो वाई जेड प्लेन से मिनिमम डिस्टेंस है, वैसे आप एक स्मॉल वाई को शो कर सकते हैं जो जेड एक्स प्लेन से मिनिमम डिस्टेंस होगी. क्लियर है ना. अगर आप इसको देख लें तो ये क्या हो जाएगी, जेड एक्स प्लेन से मिनिमम डिस्टेंस. क्लियर है. और तीनों ही पैरामीटर एक्स वाई और जेड की जो रेंज होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी. ओके, तो यहां पर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बस हमें 3D स्पेस को अज्यूम करना आना चाहिए.
अदरवाइज यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमारा देखा दिखाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओके। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें डिटेल में कैसे पढ़ना है? डिटेल में तब पढ़ना है हमें, सपोज करिए जब हम अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन में हमें रिलेशनशिप देखना होगा, ठीक है ना। जब अगला पढ़ेंगे स्फेरिकल, तो स्फेरिकल और कार्टेशियन में भी हम रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग चेंज कर सकेंगे। अगर हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है तो हम उसे दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, ओके। एक्चुअल में हमें पॉइंट्स पता होगा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वी कैन लोकेट पॉइंट्स इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो यहां पर मैं स्टॉप कर रहा हूं अपनी वीडियो को, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल है वो बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है। उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो कुछ बेसिक्स क्लियर करने के लिए थी आपके, ओके। नेक्स्ट वीडियो से आपके टफ टॉपिक मैं बोल सकता हूं स्टार्ट हो जाएंगे। कार्टेशियन तो हो गया आपका, अगला टॉपिक होगा सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, ओके। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा, ओके। थैंक यू।